सो आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट कि कोई भी दो चार्जेस या कोई भी एक सिंगल चार्ज जब किसी दूसरे चार्ज से या किसी पार्टिकल से जब वो इंटरेक्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू इंटरेक्ट करेगा. तो बेसिकली दिस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. एक्चुअल में ये लाइन एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो बेसिकली इस पे कुछ प्रॉपर्टीज है, हाइपोथेटिकल सारी बातें हैं. इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे आपके एडवांस आईआईटी का एग्जाम हो, तो एक क्वेश्चन इस पे जरूर पूछ लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. तो इसकी जो पहली जो प्रॉपर्टी है, देखो ये पांच प्रॉपर्टीज है, पांच प्रॉपर्टीज को पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो इसकी क्या है कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगी, ओरिजिनेट करेगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करेगी. इसको आपने इस फॉर्म में भी पढ़ा होगा बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए नेगेटिव चार्ज. तो यही मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट किया और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट किया. तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी, आपको ध्यान रखना है हमेशा. दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस पर किसी भी पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होने वाली है. क्यों, समझ में आया भाई? भाई आपने उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो यही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी इस पॉइंट पर. तीसरी बात है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो कहते हैं कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नेवर इंटरसेक्ट. अब सवाल ये पूछते हैं कि भाई इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा इंटरसेक्ट कर जाएंगी, मान लो कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने क्या करवा दी, इंटरसेक्ट करवा दी, एक ये और एक ये, तो इस पॉइंट पर बेसिकली क्या पॉसिबल है, दो टेंजेंट पॉसिबल है. अब दो टेंजेंट अगर आ गए तो इसका मतलब हमने बात की थी कि टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर दो डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की. अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सोचो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कोई एक ही आएगा. यानी कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पॉइंट पर तो एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है भाई, चलो. फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो कह रहे हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी. क्लोज लूप फॉर्म क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि देखो जो अभी हमने बात की कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुआ और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो गया, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि कोई भी फील्ड लाइन जो है वो खुद वहीं से ओरिजिनेट और उसी पर टर्मिनेट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. और ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्लोज लूप का बनना भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के. कहोगे सर इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा निकल रही होंगी, यानी कि ओरिजिनेट हो रही होंगी या टर्मिनेट हो रही होंगी. क्लियर है? तो बेसिकली मैं नंबर ऑफ, ये रिलेटिव बात है ना, कि मैं दो चार्जेस के नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को काउंट कर लूं तो जिसके फील्ड लाइंस ज्यादा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. अच्छा, इसको ना एक बेटा ये नोट करते रहना साथ साथ, एक नोट लिख लो कि जहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा डेंस होंगी, माने कि ज्यादा क्लोज होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. ये पक्की बात है, नोट कर लो कि जहां पर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज मिलेंगी, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा सेपरेटेड है, स्पेसियस है अगर, तो वहां पे फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम रहेगी. तो ये पांच प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जानी चाहिए. इस पर कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं करूंगा, आप एक मिनट स्क्रीन पॉज करके ना प्रॉपर्टीज नोट कर लो, ठीक है? और क्योंकि इस पर मैं क्वेश्चन करूंगा, जब एक मिनट स्क्रीन पॉज करो और फिर ये प्रॉपर्टीज नोट कर लो, ठीक है? करो. तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया पांचों प्रॉपर्टीज, आपको मुझे लगता है कि याद कर लिए, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इनको याद करना. तो एक पहले बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन में ले लेता हूं और फिर उसी को डिस्कस करते हैं सभी. हाँ भी, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, बहुत बढ़िया. तो सुनो भी, अब जो भी पढ़ा रहे ना उसको साथ साथ करते रहना ना, सभी के पास टाइम भी है तो ये साथ साथ करते रहना.
और इस पे क्वेश्चंस भी करते रहना, क्वेश्चंस में असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में असाइनमेंट डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, तो वहां से असाइनमेंट साथ साथ करते रहना, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी वो उसमें उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और भी, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, प्लीज वो करो, वो जरूरी है, तो क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट माई न्यू वीडियोज, लेटेस्ट वीडियोज, है ना। तो मैं आई एम ट्राइंग की डेली बेसिस पे मैं एक दो लेक्चर्स आपको, यानी कि जैसे रेगुलर आपकी क्लासेस चलती हैं, चाहे वो आप स्कूल में चाहे कोचिंग में, तो वो क्लासेस आपकी रेगुलर चलती रही, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, और शायद वो आप लोगों का साथ रहा तो सब पॉसिबल हो ही जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं इस पे कर रहा हूँ भाई, चलो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कहता हूँ मैं, कहता हूँ कि एक कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू है, एक दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्यू है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा ये आपको बनाना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुआ और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हुआ, पॉजिटिव से ओरिजिनेट और यहां टर्मिनेट, ठीक है भाई। यहां ये ध्यान रखना है बेटा कि नेगेटिव चार्ज पे जब बना रहे हो फील्ड लाइंस, तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी तरफ आनी चाहिए, ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से तो भाई दूर जानी चाहिए। अरे यार ये क्या भाई, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, कोई भी बोर्ड में पूछ लिया वैसे भी, तो यानी कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुआ और नेगेटिव पे खत्म हुआ। बढ़िया सवाल, एक और थोड़ा सा गियर अप कर रहा हूं सभी को कि थोड़ा थोड़ा क्या करें क्या करें क्या करें। एक क्यू ले लेता हूं मैं चार्ज, और ये दूसरा चार्ज मैंने 2q ले लिया, और इस बार आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न बनाइए। तो बात यह है कि जो दोनों ही चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी कि पहले चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी वो दूसरे वाले पे टर्मिनेट नहीं करेगी, तो सर फिर टर्मिनेट कहां करेगी। तो बेटा इस तरह के जो हमने क्वेश्चंस किए थे कि इन दोनों के बीच में एक कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, और स्पेस में बात करूं तो एक प्लेन एग्जिस्ट करेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, दैट प्लेन इज नॉन एज नल प्लेन एंड दैट पॉइंट इज नॉन एज नल पॉइंट। तो वो हमने पढ़ा था कि वो उस चार्ज के पास आएगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है, तो क्यू का मैग्नीट्यूड कम है तो इसके आसपास वाले एरिया में वो चाहूं तो मैं निकाल भी सकता हूं, हमने पहले क्वेश्चंस में किया हुआ है, नॉट नेसेसरी, मुझे सिर्फ एक रफली डायग्राम बनाना है उसका। तो ये मैं मान लेता हूं कि ये वाला बेटा क्या है, वो दिस इज द नल प्लेन, नल प्लेन माने कि वह, तो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि एक क्यू चार्ज है दूसरा 2q चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न बनाना है। तो देखो बेसिकली एक नल प्लेन एग्जिस्ट करेगा जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और वो जो नल पॉइंट है वो उस चार्ज के पास रहेगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है, प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है। तो यहां से फील्ड लाइन ओरिजिनेट होंगी और ये यहां इस तरह से जारी होंगी, इस तरह से जारी होंगी। यहां पे अगर बात करें तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, यहां पे अगर बात करें तो कुछ इस तरह का बनेगा। आगे क्या कोई खास महत्व रखती नहीं है चीजें, इससे अवे, इससे अवे, इससे अवे, तो इस तरह का तो बना लेंगे, है ना, बना लोगे भी अवे। तो इसमें खास बात बस यही ध्यान रखनी थी कि एक नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, नल पॉइंट यहां पे रहेगा और वो उस चार्ज के पास रहेगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन आईटी ने एक बार पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन मैं एक बार डिस्कस करता हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उन्होंने पूछा आईटी ने, ऐसा उन्होंने बनाया कि एक चार्ज Q1 है, ऐसा बना लो चलो इसको, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये इस तरह से, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आईटी हमेशा ही मतलब मुश्किल क्वेश्चन पूछती है, मतलब अच्छे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली, है ना, बेसिकली फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है ना, कि सर मैं न्यूमेरिकल कर लू, ये कर लू, वो कर लू, नहीं, अरे भाई आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, जितने मर्जी सवाल कर लो, फिर जितने मर्जी न्यूमेरिकल कर लो। न्यूमेरिकल बेसिकली है क्या चीज, न्यूमेरिकल इज जस्ट एक एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, है ना, जो थ्योरेटिकल पार्ट आपने पढ़ा है, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपने पढ़ा है, वो उसी का क्या है, एप्लीकेशन है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है कि आईआईटी का क्वेश्चन है तो बहुत मुश्किल आ गया तो सर ये नहीं करेंगे, अरे ऐसा नहीं होता भाई। देखो जरा, तो इस पे
बेसिकली मल्टीपल चॉइस था, तो जो जो पूछे उसके बाद वो सार बता रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग द ऑप्शंस। इसका क्या सवाल पूछ सकते हैं जरा देखो कि भैया Q1 नेगेटिव है कि पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव है कि पॉजिटिव, जो जो बातें हैं इस क्वेश्चन से मैं सारी डिस्कस कर रहा हूं जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है। Q1 नेगेटिव पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा चार्ज बड़ा कौन सा छोटा, किधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सर ये तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो Q1 से ओरिजिनेट होती हैं। बेटा कहां से ओरिजिनेट हो रही है, फील्ड लाइंस Q1 से ओरिजिनेट हो रही हैं और Q2 पर टर्मिनेट हो रही हैं। तो इससे मुझे पता लग गया कि सर Q1 जो चार्ज है वो तो पॉजिटिव चार्ज है, ये सवाल ये एक ऑप्शन भी था बेटा, और Q2 जो चार्ज है वो कैसा है, वो नेगेटिव चार्ज है। एक बात, दूसरी बात कि सर मुझे ये बात समझ में आ रही है कि Q1 से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा ओरिजिनेट हो रही हैं। अगर Q1 से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। एक बात तो यानी कि बात समझ आ गया कि सर मॉड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2, तो Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा। दूसरी और एक और सवाल बेटा इसमें पूछा था कि भैया कौन से चार्ज के पास और किस रीजन में एक नल प्लेन एग्जिस्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो देखो ये दोनों चार्जेस की पोलरिटी कैसी है, ऑपोजिट पोलरिटी है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जीरो होगा वो जो रीजन आएगा वो इन दोनों के बीच में तो नहीं आएगा, वो इन दोनों के बाहर वाले रीजन में आएगा, और वो जो बाहर वाला रीजन होगा उसमें भी उस चार्ज के पास आएगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यानी कि ये बात बिल्कुल सही है कि सर Q2 का मैग्नीट्यूड कम है तो Q2 के इस वाले रीजन में आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो जीरो, ये राइट हो गया आपका राइट टू Q2, Q2 के राइट में होगा। IIT ने सवाल पूछा तो बताओ, ये आसान सा सवाल पूछा IIT ने क्या। ठीक है भाई, तो ये बातें हो गई है किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी को फटाफट से रिकैप कर लो। पहली बात की पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगे, नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है, दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबल नहीं है। टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, क्लोज लॉप भी नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि सेम चार्ज से फील्ड लाइन चल के और वहीं पे खत्म नहीं हो सकती है, और जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के, उसकी उल्टी बात भी बिल्कुल ट्रू है। ठीक है भाई, चले आगे। तो ये बात हो गई, देखो ये आसान सा टॉपिक है, आसान टॉपिक पे थोड़ा सा पकड़ होनी चाहिए ना, तो मतलब आसान क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए, वो पाप है अगर आसान क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर ली है सभी ने। अब जरा मैं आगे बात करता हूं, तो अगला टॉपिक फिर क्या कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो जो लाइन चार्ज है ना, लाइन चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं इस टॉपिक को नाम लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज है ना, तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, एक को लैम्डा की फॉर्म में आपने लिखा था जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला, एक को सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला और एक को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जो लीनियर है वायर की फॉर्म में हो सकता है, रॉड पे हो सकता है, उन सबकी हम बात करते हैं। चलो लेट अस कंसिडर कि मेरे पास एक ही वायर है और भाई इसकी चार्ज डेंसिटी भी चाहिए होगी लैम्डा कूलम पर मीटर, यूनिफॉर्म ही मान लेता हूं ना, तुम पे थोड़ी दया कर लेता हूं। आसान सवाल, एल लेंथ का ये यूनिफॉर्म वायर आपने ले लिया। सवाल यह है कि यहां से आर दूरी पर, आर डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पी पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी, डायरेक्शन भी और उसका मैग्नीट्यूड भी। तो बात करते हैं,
तो भाई ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि सर जो कूलम्स लॉ आपने पढ़ाया था के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर वो तो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, लेकिन ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है, तो एक्सटेंडेड बॉडी है, कॉन्टिन्यूस बॉडी है। तो कॉन्टिन्यूस बॉडी अगर है तो मैं इसमें कोई एलिमेंट मान लूंगा, उसके कारण से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा, उसके डायरेक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और फिर उसको इंटीग्रेशन वाला जो कार्यक्रम है उस पर जाएंगे। तो यहाँ पे तो बड़ा सिंपल सा होगा ना, लीनियर चार्ज है। तो मैं क्या मान लेता हूं कि सर एक काम करूं कि यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लो चंचल भाई कि जिसकी विड्थ क्या होगी डीएक्स, है ना। सभी यही कहेंगे सर कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो डीएक्स विड्थ मान लो। अब बेटा एक बार ध्यान रखना कि जब इस तरह का काम कर रहे हो, आप ट्वेल्थ में आए हो, पहली बार शायद इस तरह की चीजें आप कर रहे हो, थोड़ा सा शायद मुश्किल लगे, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करो तो यू विल फील कॉन्फिडेंट और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको कूलम्स लॉ में ये जो आपने डीएक्स माना है तो इसमें कुछ चार्ज भी होगा। अब इस चार्ज के कारण से आप पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो वह जो दूरी है वो चार्ज और उस एलिमेंट के बीच की होनी चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया यहां से एक्स दूरी मानी, है ना। बहुत क्वेश्चन होते हैं उसमें शायद यहां से लेते हैं, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्या है कि मुझे उस पॉइंट के बीच की और चार्ज के बीच का दूरी चाहिए, तो वो मैंने उसको एक्स ले लिया। तो भाई इस चार्ज के कारण से इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दैट चार्ज, है ना। तो इस पॉइंट पे अवे की डायरेक्शन ये आई, और ऐसे ऐसे सभी जितने भी आप अभी इस ये जो रॉड है ये ऐसे अनंत एलिमेंट से मिलकर के बनेगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से, और उन सब के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है वो सेम आ रही है। वो सेम आ रही है तो कोई बात नहीं सर, एक के कारण से निकालो और उनको विद इन द लिमिट्स इंटीग्रेट करो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो मैं कहता हूं कि भाई चलो इसके कारण से जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई आया वो कितना आया, के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ये आ गया। इस डी क्यू को बेटा कैसे लिखोगे, के डी क्यू को तो लैम्डा डीएच लिखा जाएगा सर, बाय एक्स स्क्वायर। सर सभी की डायरेक्शन सेम है, मैं इसीलिए इसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकता हूं। अगर देखो कुछ और होगा तो फिर वो भी क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया लगेगा। तो इंटीग्रल डीई के लैम्डा, ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। बेटा नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। तो क्षितिज भाई थोड़ा ध्यान से देखो, सुनो बोर्ड पे देखो कि जब आप लिमिट्स पुट कर रहे हैं तो लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, आपको x के लिमिट देखनी है। x बेसिकली किस पे वेरी कर रहा है, x तो y पे वेरी कर रहे हैं ना। तो सर आप यहां से पहला एलिमेंट इस रोड पे यहां मिलेगा, और जब यहां पे मिलेगा तो यहां से और यहां तक के बीच की दूरी तो सर कितनी हो गई r। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया कि भैया जो मुझे पहला जो एलिमेंट लेना है वो कहां पे आएगा, वो रॉड के इस एक्सट्रीम एंड पर आ रहा है, और इस रॉड के एक्सट्रीम एंड पे उस पॉइंट की जो दूरी है वो दूरी आर आ गई है, और यहां तक वो एलिमेंट चलेगा ना, चलता जाएगा चक 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 चक, रुक जाओ। यहां जब आप रुक जाओगे तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, वो आर प्लस एल हो जाएगी। नहीं आया, अरे आया नहीं आया, ठीक है। तो R से R प्लस L, आगे का काम कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये हो गया भाई K लेमडा और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सबको मालूम है x के पावर n का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। ध्यान रखना n की वैल्यू माइनस 1 नहीं होनी चाहिए भाई, तो माइनस 1 बाई एक्स, और ये R से R प्लस L इसको इंटीग्रेट कर दो। तो भाई यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया के लेमडा, मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं बेटा, और मैं थोड़ा सा हल्का सा एक शॉर्टकट ले रहा हूं, शायद ये चीज आ गई है ना, वो नेगेटिव साइन था तो उसको एडजस्ट कर लिए, कर लेना ये आगे। इसको और थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूं, के लेमडा चलो मैं कर ही देता हूं ना, कहोगे सर तो सब कुछ ही शॉर्ट में ही कर रहे हैं, आर आर प्लस एल, आर प्लस एल ये, और माइनस आर, आर ने आर को कैंसिल कर दिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया बेटा के लेमडा एल ओवर R into R plus L. This is the answer to this question. अगर कोई एक फाइनाइट वायर है उसके एक्सिस पर निकाल है भाई, एक बार ध्यान रखना, उसके एक्सिस पर R दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया K लैम्डा L over R into R plus L. अब इसका एक स्पेशल केस मैं करना चाह रहा हूं, स्पेशल केस If wire is
सेमी इनफाइनाइट. अभी सेमी इनफाइनाइट का मतलब देखो क्या हो गया. देखो एक्चुअल में तो बेटा अगर प्रैक्टिकली बात करें ना तो आप भी जानते हो कि इनफाइनाइट वायर तो कहां से लेके आओगे ना. इनफाइनाइट वायर तो पॉसिबल ही नहीं है, सेमी इनफाइनाइट भी. तो जब भी सेमी इनफाइनाइट वायर बोलनी या फाइनाइट, वो भी समझाता हूं क्या फर्क है. जब हम सेमी इनफाइनाइट वायर की बात कर रहे हैं तो सेमी इनफाइनाइट वायर का होगा कि मुझे उसका एक एंड तो मालूम है और दूसरा एंड नहीं मालूम है. ये तो आइडियल भाषा होगी. प्रैक्टिकली समझो कि मान लो कि यह मेरा एक वायर है, ये मान लो ऐसे ऐसे दो को जोड़ देता हूं ना, ये लो कि ये एक मेरा वायर है और मान लेते हैं कि इनकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है. अब अगर कोई आपसे इस एंड पर 2 सेंटीमीटर में फील्ड पूछ ले यहां पे, तो भैया इसके रेस्पेक्ट में तो ये तो अनंत ही हो गया, ये तो बहुत बड़ा हो गया. तो दिस इज सेमी इनफाइनाइट और फाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म. और इसी तरह से अनंत की जब मैं बात करूंगा अगले जो बात करेंगे उसमें क्वेश्चन समझाऊंगा. तो बेसिकली यानी कि जो आर की बात है वो आर जो है वो एल के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए. तो वो मैं सेमी इनफाइनाइट बोल दूंगा. तो वायर अगर सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब एक एंड तो मुझे पता नहीं है और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है और यहां से आपसे आर दूरी पर पूछ लिया. तो अगर मैं इस केस में इस टर्म से बात करूं तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल कहना सही है कि सर एल इज मच मच ग्रेटर देन आर, तो ही मैं ये बात बोल पाया. एल मच मच ग्रेटर देन आर होगा तो मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो आया था इसी को थोड़ा सा मैन्युपुलेट कर रहा हूं. मैं एल को लेके आ रहा हूं तो ये बन जाएगा बेटा आर बाई एल प्लस वन. सोचो आर बाई एल, आर तो वैसे बहुत छोटा है. अब उसको अगर डिनोमिनेटर में एक बड़े फैक्टर से आप मल्टी डिवाइड करोगे, मान लिया कि न्यूमरेटर के अंदर है 0.02, अब आपने उसको 50 से डिवाइड किया, 0.02 और छोटा हो गया, 100 से डिवाइड करोगे और छोटा होता चला जाएगा. तो यानी कि एक के कंपैरिजन में यह जो फैक्टर है इट विल अप्रोच टू जीरो ना, उसके रिस्पेक्ट में यानी कि आई कैन निग्लेक्ट आर बाई एल इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वन. तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आ गया, के लैम्डा बाय आर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑन इट्स एक्सिस. स्क्रीन पॉज करो, नोट करो जल्दी से, अभी आगे कर रहा हूं. ठीक है भाई, कर लिया नोट. अच्छा इसमें एक बात और ध्यान रखना बेटा कि अगर यह लाइन लेट अस से कि पॉजिटिव लाइन चार्ज है, लैम्डा है, तो इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो अवे, इस पॉइंट पर बात करूंगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि रेडियली आउटवर्ड है ना. और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करूं कि नेगेटिव माइनस लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है, ये भी ये लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है, तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो इसकी तरफ डायरेक्टेड रहेगी. ये बात ध्यान रखना, तो डायरेक्शन की बात है ना, इसको नोट करके लिख लो. पॉजिटिव लाइन चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अलोंग द एक्सिस, तो वो है ही. अगर एग्जिट पॉइंट पे बात कर रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज है तो अवे और नेगेटिव चार्ज है तो वो टुवर्ड्स रहेगा. तो ये हमने बेसिकली बात कर ली फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण से उसके एक्सियल पॉइंट पे. अब मैं बात करता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, तो ये नोट कर लिया. ठीक है, तो बेटा अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक हेडिंग लिख लो, सभी लोग हेडिंग लिखना शुरू करो. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लाइन चार्ज ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. देखो भाई ध्यान से, ये लो ऐसे ले लू, ये ऐसे मान लो. चलो मैं थोड़ा इसको थोड़ा सा ऐसे बोल देता हूं, ये लो भाई. ठीक है, ये ले लेते हैं. और इस वायर की लेंथ मैंने एल मान ली, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा सभी लोग जानते हैं, है ना, सभी ने 10th क्लास पास की हुई है. ये एल बाई टू और ये भी एल बाई टू, ये क्या रखोगे, आर मान लो, नहीं एक्स मान, आर मान लो. ठीक, आर मान लिया. इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन आपको बतानी है. देखो भाई ध्यान से,
जो पिछले वाला जो हमने पार्ट किया था उसमें क्या था कि जो आपने एलिमेंट्स लिए थे सबके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आई थी वो कैसी आ गई थी भाई, वो सेम आ गई थी, ठीक है। लेकिन यहां पे पंगा है थोड़ा सा ना, वो देखो कैसे करते हैं उसको सॉल्व। मैं कहता हूं कि यहां से एक्स दूरी पर एलिमेंट तो वही माना जाएगा, छोटा सा एक एलिमेंट मान लिया जिसकी विड्थ बेटा डी एक्स है, उसका चार्ज डी क्यू है। अब इसके कारण से क्योंकि ये तो पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी मैं मान लेता हूं कि मान क्या लेता हूं तो आएगी इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। मैं कहता हूं ये एंगल थीटा तो यह एंगल भी थीटा। अब मैं इसी ये जो आपने पॉइंट चार्ज लिया था इसका ही एक मिरर इमेज और इधर ले लेता हूं चार्ज, ये लिया और इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई वो भी ये आई, और सिमेट्रिकली बात करें तो ये भी थीटा पे, ये भी थीटा पे और ये भी डी। कमाल की बात पता क्या हो रही है, अच्छा ये भी लिख लो ना भाई, ये भी एक्स दूरी पर है, कि ये जो दो एलिमेंट्स आपने लिए दोनों के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग आ रही है, और जैसे जैसे एक्स वेरी करेगा थीटा वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वेरी करेगी। माने सर इसको इंटीग्रेट ऐसे नहीं किया जा सकता क्योंकि हर एक एलिमेंट के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा उसकी डायरेक्शन तो अलग अलग आ रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग आ रही है तो सर ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता ना मैं, तो फिर क्या करूं सर? फिर मेरे पास एक तरीका है बच्चों, फिर हमारे पास एक तरीका है, वो तरीका क्या है कि ऐसा करो ना सर, एक रास्ता है मेरे पास कि आप दो परपेंडिकुलर एक्सिस मान लो, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वालों को एक साथ जोड़ दूंगा और वर्टिकल वालों को एक साथ जोड़ दूंगा, फिर लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही लगा, मजा आया, अच्छा लगा। तो मैं कहता हूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में तोड़ता हूं भाई इसको, तो ये जो कंपोनेंट आया यह तो डीई साइन थीटा आया, और यह जो कंपोनेंट आया यह डीई कॉस थीटा आया। अब इसको रिजॉल्व करूंगा तो यह डीई साइन थीटा आया और वो उधर ऊपर डीई कॉस थीटा आया, रे बड़ा अच्छा हुआ। यानी कि ये जो दो मिरर इमेज एलिमेंट्स लिए थे इनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी साइन थीटा आया है वो हर एक पॉइंट पर कैंसिल आउट कर जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं बचेगा। वो यहां से दिख रहा है डी साइन थीटा, इस डी साइन थीटा का काम तमाम कर देगा, कहीं पे भी नहीं छोड़ेगा, है ना, कहीं नहीं छोड़ने वाला है चाहे कहीं पे भी एलिमेंट हो। यानी कि हर जगह जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो मुझे लगता है कि यह बात अगर मैं लिख दूं कि इंटीग्रल डीई साइन थीटा बराबर जीरो, तो इसमें किसी को दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है? अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रल डीई साइन थीटा तो जीरो, तो सर कुल मिला के बात समझो आप कि जो ई नेट आएगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर आएगा, उन सब की डायरेक्शन अवे है ना, ऊपर की तरफ डायरेक्शन आ रही है। अभी तो मैं सिर्फ इसको ऐसा लिख लेता हूं, ये ई नेट आया भाई आपका, तो ई नेट किसको लिख दूं, इंटीग्रल डी ई कॉस थीटा, ये लिख दिया जाए। अब कुछ बच्चे हैं उनके दिमाग में ये शंका जरूर है कि सर ऐसा लग रहा है कि वो तो टू डी कॉस थीटा आएगा, आपने तो इंटीग्रल डी कॉस थीटा लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, जब आप 2d cos थीटा लिखते हो तो बेसिकली आपने इस तरफ के जो एलिमेंट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लिया है। तो जब आप लिमिट्स लगाओगे तो उस टाइप पे लिमिट आप जीरो से l बाई टू की लगा देना। अगर मैं डी cos थीटा लिखता हूं तो मैं एक ही साइड का कंट्रीब्यूशन लिया लेकिन है दोनों साइड से, तो माइनस l बाई टू से प्लस l बाई टू ली, वो कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। तो ये इंटीग्रल डी cos थीटा आएगा। तो भाई पहले डीई लिख लो, ये डीई क्या चीज है, डीई बेसिकली इसके कारण से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके कारण से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यह एक्स यह आर, तो भाई ये हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डीई क्या लिखूं, इस चार्ज के कारण से के डी क्यू ओवर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख दिया जाए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और भाई इसको dq को भी कुछ लिखो, क्या लिख दूं, k lambda dx by r square plus x square, तैयार हो जाओ प्राण पखेर उड़ने वाले। देखो तो अब e net इंटीग्रल de k lambda dx by r square plus x square into cos theta, cos theta cos theta, इस वाली ट्राइंगल में cos theta होता है बेस यानी कि r
अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई जो जो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है क्या? हाँ सर, आर बिल्कुल कांस्टेंट है। के लैम्डा और आर को भी बाहर ले आओ, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। फंस गए भाई अब इसका इंटीग्रेशन तो। अरे आता है क्या इसका इंटीग्रेशन? नहीं पढ़ा अब तक, नहीं पढ़ा, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी नहीं है। तो जब भी इंटीग्रेशन में फंस जाओ तो पहला जो बचने का तरीका है यानी उसको सॉल्व करने का तरीका है वो है ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। कैसे? कि देखो सर आर तो कांस्टेंट है, ये किसी तरह इसका एक्स का कुछ काम तमाम करो, यानी कि ऐसी फॉर्म में लेके आओ जिसका इंटीग्रेशन मैं जानता हूं। तो मैं कहता हूं आपको कि जरा इस वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल कुछ भी नाम लिख लो, इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर मैं आपको एक बात कहूं कि सर टेंजेंट थीटा बताओ, तो आप लिखोगे कि टेंजेंट थीटा तो सर एक्स बाई आर हो जाएगा। तो यहां से क्या बात समझ में आ गई कि सर एक्स बराबर आर टेन थीटा आ गया। और मैं कहता हूं कि इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, टेन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप क्या लिख दोगे, डी एक्स इज इक्वल टू आर सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको बेसिकली बोलते हैं कि इसका जनरल डेरिवेटिव ले लो, जनरल डिफरेंशिएशन कर लो ना। तो बेसिकली डी एक्स की वैल्यू आ गई आर सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा और एक्स की वैल्यू आ गई आर टेन थीटा। ये दोनों ही इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। अब मैं इसको सब्सटीट्यूट करता हूं तो देखो भाई क्या आ रहा है, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा आर इंटीग्रल डी एक्स की जगह मैंने पुट कर दी आर सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा आर स्क्वायर प्लस, देखो अब एक्स की जगह आर टेन थीटा पुट करना है, उसका स्क्वायर है आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3/2। है ना, हालत खराब होती जा रही है लेकिन मजा आने वाला है। बहुत ही सिंपल फॉर्म देखोगे भाई अभी, तो देखो के लैम्डा आर स्क्वायर। अच्छा देखो जरा ध्यान से, आर स्क्वायर कॉमन, अरे आर ऐसा नहीं, आर स्क्वायर यहां से कॉमन नहीं लिया, आर स्क्वायर कॉमन नहीं लिया, उसकी पावर 3/2 है, तो आर स्क्वायर इंटू 3/2 पावर 3/2। तो वो दोने के दो को खत्म कर दिया है ना, तो तीन ही बच गए यहां पे, तो आर की पावर तो क्यूब आ गई नीचे, और देखो ऊपर क्या बच गया सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये नीचे क्या बच गया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। वाह मजा आ रहा है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये तो जानता हूं सर के लैम्डा। अच्छा एक काम करो, ये इसका हिसाब किताब कर दो है ना, आर स्क्वायर का आर क्यूब का। अब ये क्या बच गया भाई, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा उसकी पावर 3/2 सीकेंट क्यूब थीटा। आहा अब थोड़ा मजा आ रहा है, थोड़ा सा आनंद आ रहा है कि हाँ आप कुछ कर सकता हूं मैं। के लैम्डा बाई आर इंटीग्रल, देखो बेटा ये क्या बन गया, वन अपॉन सीकेंट थीटा। तो ये क्या हो गया, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं सर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। देखो भाई ई नेट कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बेटा क्या हो गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बेसिकली हो गया साइन थीटा। तो ये हो गया के लैम्डा बाय आर साइन ऑफ थीटा, ओके साइन ऑफ थीटा। कहोगे सर लिमिट, लिमिट बाद में अभी देखता हूं, के लैम्डा बाय आर। अब भाई ऐसा करो थीटा की फॉर्म से हटा दो और साइन थीटा को इससे यहां से देखो, साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, परपेंडिकुलर यानी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो इसको लिख दो एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब लिमिट डाल दो, एक्स वेरिएबल है ना, एक्स कहां से कहां जाएगा, माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाई टू। तो अब जरा देख लो इसको, के लैम्डा बाय आर ये हो गया एल बाय टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय फोर माइनस माइनस प्लस। ये बात बन गई, इसको मैं थोड़ा सा ना नीचे थोड़ा स्पेस की कमी है, मैं इसको ऊपर सॉल्व कर देता हूं, आ ही गया हमारा एक्सप्रेशन आ गया बेटा ना, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं। देखो ये दो से दो ये गया, दो ये ऊपर आ गया, टू के लैम्डा एल ओवर ये हो गया फोर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया भाई,
यह जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अब इसकी डायरेक्शन मुझे पता लग गई कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज था तो ऐसे आ गया, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव चार्ज हुआ वहां पर, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज था, इस पे अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर बात हुई तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर तो ई नेट की डायरेक्शन ये आई एक्सप्रेशन में जानता हूं 2 के लैम्डा ओवर अंडर रूट ऑफ 4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लेकिन अगर वही चार्ज नेगेटिव हुआ यहां पर तो इस पॉइंट पर आगे जो बात आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो इस तरफ रहेगी। तो यह बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।